गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जॉब डायरेक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 16th मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं ना, आज हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डेली हमारा करंट अफेयर्स का सेशन आता है दोस्तों, आप हमारे सारे वीडियोस देखा कीजिए, ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन वाज पाई डे और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड। पाई डे या फिर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? सेलिब्रेट करते हैं हम 14th मार्च को। ठीक है, 14th मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे और पाई डे। कोई कन्फ्यूजन? चलिए, जितने भी मैंने एक वीडियो में हमारे जितने भी मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे, इंपॉर्टेंट डेट्स थे ना, उसको मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों आप लोग बताइएगा हम लोग 8th मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं? 8th मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, बताइएगा। और जो 8th मार्च को जैसे कुछ भी डे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो इस बार का 2022 का वो डे का थीम क्या था सेलिब्रेशन का? क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया ना कि 8th मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि हम जो डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस बार 2022 में वो 8th मार्च को जो डे सेलिब्रेट किया है उसका थीम क्या रखा गया था? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु बिकम द हाईएस्ट कैप्टनशी फीमेल क्रिकेटर इन ICC वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप। ICC महिला विश्व कप में सबसे अधिक कप्तानी करने वाली महिला क्रिकेट कौन बनी, बताइए? ICC हमारा ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में सबसे अधिक जो कप्तान बनी है ना, वो कौन बनी है, कौन सी महिला क्रिकेटर बनी है? ये बनी है हमारी मिथाली राज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मिथाली राज। मिथाली राज बिकेम द हाईएस्ट कैप्टनशी फीमेल क्रिकेटर इन ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहले GI टैग कश्मीर कारपेट सेंट, देखिए क्या है हमारा, भारत ने पहले GI टैग वाले कश्मीर कालीन को किस देश में भेजा था? टू विच कंट्री वॉज इंडियाज फर्स्ट GI टैग कश्मीर कारपेट सेंट। कौन से कंट्री को इंडिया ने अपना सबसे पहला GI टैग कश्मीर कारपेट सेंट किया था? कौन से कंट्री को सेंड किया था हमारा, ये सेंड किया था, बताइए दोस्तों अगर आप लोगों को पता है तो। ये सेंड किया था अमेरिका को। ठीक है, अमेरिका। इंडियाज फर्स्ट GI टैग कश्मीर कारपेट वॉज सेंड टू अमेरिका। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्टार्टेड। इंडिया का सबसे पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ स्टार्ट हुआ था? भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों, बताइए कहाँ शुरू हुआ है? ये हमारा शुरू हुआ है झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी झारखंड। भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल हमारा कहाँ शुरू हुआ है? झारखंड में शुरू हुआ है। कैपिटल ऑफ झारखंड क्या है दोस्तों, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड? कैपिटल एंड करेंसी हम लोगों ने एक वीडियो में कवर अप किया था ना, तो आप बताइए कि कैपिटल क्या है हमारे झारखंड का। नेक्स्ट, विच बैंक वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर SHG बैंक लिंकेज। किस बैंक ने SHG बैंक लिंकेज के लिए भारतीय पुरस्कार जीता? कौन से बैंक ने नेशनल अवार्ड जीता है, कौन से बैंक ने हमारा नेशनल अवार्ड जीता है दोस्तों? ये हमारा जीता है जम्मू कश्मीर बैंक ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर बैंक वॉन दी नेशनल अवार्ड फॉर SHG बैंक लिंकेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग ऑफ द ईयर 2021। इंडिया का हमारा कितना रैंक था किसमें, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में इन डिजिटल शॉपिंग इन द ईयर 2021 के अकॉर्डिंग? इंडिया का हमारा कितना रैंक था, सेकेंड रैंक था। ठीक है ना दोस्तों, इंडिया का क्या रैंक था, सेकेंड हमारा, ऑप्शन नंबर ए।
इंडिया वॉज इन द सेकेंड रैंक इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग इन द ईयर 2021. Who organized the youngest scientist program Yuvika for the student? किसने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका आयोजित की? किस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा युविका जो है ना स्टूडेंट्स लोग के लिए, ये जो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है युविका, वो स्टूडेंट्स लोग के लिए ऑर्गेनाइज की? ये किसने किया था हमारा? इसरो ने. किसने? इसरो ने. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो. इसरो ऑर्गेनाइज द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका फॉर द स्टूडेंट्स. दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? एंड वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो? ये दोनों बताइएगा. वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? नेक्स्ट, हुज नॉबल टॉम ऑफ सैंड वॉज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? किसने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया? किसने, ये जो हमारा नॉवल है ना टॉम ऑफ सैंड, इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से आपका अवार्ड दिया था, किसने दिया था ये हमारा, किसने दिया हमारा? गीतांजलि श्री ने. गीतांजलि श्री, ठीक है. किसने ये बुकर अवार्ड दिया? गीतांजलि श्री ने. ये जो हमारा नॉवल बुक है ना टॉम ऑफ सैंड वॉज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज बाय गीतांजलि श्री. Who has been appointed as the chairman of the National Finance Reporting Authority NFRA? ये जो हमारा NFRA है ना, National Financial Reporting Authority, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कि न्यू चेयरमैन कौन बने हैं NFRA का? न्यू चेयरमैन कौन बने हैं दोस्तों? ये बने हमारे अजय भूषण पांडे. दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अजय भूषण पांडे. अजय भूषण पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA. नेक्स्ट, गैब्रियल बोरिक फोंट बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, ये जो गैब्रियल बोरिक फोंट है ना, ये कौन से कंट्री के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने? ये कौन से कंट्री के हमारे सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने बताइए? ये बने हैं हमारे चिली की. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चिली. गैब्रियल बोरिक फोंट बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली कंट्री. ये जो हमारा चिली कंट्री है ना, उसका कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंट्री चिली? इसका कैपिटल है सैंटियागो. सैंटियागो, ठीक है. और यहाँ का करेंसी क्या है? चिलियन पीसो. ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे तीन चीज़ आप लोगों को बताया कि चिली कंट्री के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बने? ग्रैबियल बोरिक फोंट. उसका कैपिटल क्या है? सैंटियागो. करेंसी क्या है? चिलियन पीसो. कोई कन्फ्यूजन? फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स.